हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक बहुत अहम खबर है जो कि आप लोगों को जानना काफी ज्यादा आवश्यक है। उसी से रिलेटेड कोई अपडेट रहने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूं, आज के जनरेशन में सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है और मोबाइल पर जब भी कॉल आते हैं, या तो आपने अगर नंबर सेव कर रखा है तो उसका नाम डिस्प्ले होता था, या तो सिर्फ उसका नंबर आपको देखने को मिलता था। आज के डेट में फ्रॉड कॉल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा कॉल इंपॉर्टेंट है, कौन सा फ्रॉड कॉल है, क्योंकि सभी सेम दिखने वाले नंबरों से ही कॉल आता था। बीच में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक आदेश भी जारी किया था कि जो सर्विस कॉल आएंगे उसके लिए डिफरेंट डिजिट का नंबर होगा और जो नॉर्मल कॉलिंग का रहेगा वो 10 डिजिट का नंबर रहने वाला है। उसी को लेकर अब कॉल करने वाले जितने, अगर आपका मोबाइल फोन है, अगर आपके फोन पे कोई कॉल करता है तो अभी सिर्फ उसका नंबर दिखता है, लेकिन अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पे बदलाव करने की सुनिश्चित कर लिया है और आने वाले जुलाई में, 15 जुलाई तक आपको उस बदलाव को देखने को भी मिलने वाला है। अब आपके मन में होगा फिर क्या बदलाव होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी आदमी आपके फोन करेगा, आपके मोबाइल पे कोई भी अगर कॉल करता है, अगर वो नंबर सेव है तो वेल एंड गुड, अगर सेव नहीं है वो नंबर आपके फोन में, तो कॉल करने वाले का जिस नाम से सिम कार्ड होगा उसका नाम डिस्प्ले होगा। सपोज आपके फोन पे कोई अनोन नंबर से कॉल आ रहा है, अभी सिर्फ नंबर दिखता था आपको, तो अनोन नंबर से कॉल करने वाले लोगों का नंबर प्लस उसका क्या नाम है वो नाम भी दिखने वाला है। नाम कैसे दिखेगा दोस्तों, उसके बारे में बता दूं कि अगर आप जो सिम कार्ड लेते हैं, सिम कार्ड लेते समय जिस नाम से सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन करते हो, आधार कार्ड जिसका देते हो, जिस आधार कार्ड से केवाईसी करते हो, सेम नाम आपके मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। कोई अनोन कॉल कर रहा है, नंबर के साथ उसका नाम आपके सेलफोन पे डिस्प्ले होने वाला है। साथ ही दोस्तों बता दूं कि अब आसानी से इसे कॉल करने वाले के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि आप इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल करने वाले के नंबर के साथ उसका नाम भी दिखाना शुरू कर दिया है। कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा में इसके ट्रायल भी शुरू कर दिया है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को इसे 15 जुलाई तक पूरे देश में लागू करने के लिए कहा है। साथ ही दोस्तों बता दूं कि ये जो मोदी जी के जो रोड मैप है 100 डेज के अंदर क्या क्या काम करने वाले हैं, उस रोड मैप में भी ये चीजें शामिल की गई है। आपको बता दूं दोस्तों कि कॉलिंग नाम प्रेजेंटेशन का ट्रायल शुरू हो गया। इसके तहत कंपनियां आवेदन फॉर्म पर लिखा हुआ नाम ही दिखाएगी। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि 15 जुलाई तक उसे पूरी तरीके से लागू कर देना है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि मोदी जी के जो 3.0 सरकार बनी है उसमें 100 दिनों के एजेंडे में इसे लागू किया जा रहा है, यानी कि 100 दिनों के अंदर इस काम को शुरू करना था। उसी चीज को देखते हुए 15 जुलाई तक आपके फोन पे कोई भी अनोन कॉल आएगा तो अनोन नंबर के साथ उसका नाम भी देखने को मिलने वाला है। होप सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस तरीके का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स लॉट।